जिंदगी अपने आप में धूप और छांव सब है। कभी जिंदगी में दुख की धूप आती है, कभी सुख की छाया आती है। जिंदगी बहुत नाच नचाती है। अगर समय अच्छी तरह से सुखपूर्वक बीत जाता है तो जिंदगी बहुत ही अच्छी लगती है, पर अगर जीवन सुखपूर्वक नहीं बीतता है तो बहुत दुख होता है और तकलीफ होती है। और कभी कभी हमारे बहुत विश्वासु, जिनके ऊपर हम बहुत विश्वास करते हैं, वही लोग अगर हमको धोखा दे जाते हैं तो जिंदगी एक बोझ लगने लगती है। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि पुरस्कार लगे, ना कि ऐसे ही बोझ लगे। इसके लिए अपने आप में हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। कोई भी परेशानी आए तो उसका डटकर मुकाबला करके उसमें से निकलना चाहिए। जिंदगी के उतार चढ़ाव में अपने हौसले और हिम्मत को हमेशा बनाए रखना जरूरी है। यह कहानी इसी पर आधारित है। रीमा जी अपनी बहुत अच्छी नौकरी से रिटायर हुई थी। उनके पति का साथ तो जल्द ही छूट गया था। एक बेटा था और उसकी शादी कर दी थी, और वह रिटायरमेंट के बाद और पहले से माँ बेटा दोनों ही रहते थे। फिर उसकी शादी कर दी तो जो बेटा माँ माँ करते नहीं थकता था, वह अब अपनी पत्नी के साथ हो गया और माँ को कुछ नहीं समझने लगा। उसको हर बात गलत लगती और उसको लगता माँ फालतू उसके ऊपर बोझ हो गई है। वह और उसकी पत्नी दोनों ही माँ पर जुल्म ढाने लगे। मगर रीमा जी बहुत शांत स्वभाव की थी, बिना कुछ बोले उनके जुल्म सह रही थी। वे दोनों नौकरी करते थे तो माँ को एक नौकरानी ही बना दिया। एकदम नौकरानी के जैसे व्यवहार करने लग गए। यहाँ तक कि धूप में सब्जी लाना, सारे बिल जमा कराना, फिर घर के सब काम करना, काम न करे तो उनसे मगजमारी करना, यह सब उनकी रोज की जिंदगी में शामिल हो गया था। वे इतनी परेशान हो गई थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ऐसे में एक दो दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया और धूप में बिल जमा कराने गई। वहां उनको लाइन में खड़े हुए चक्कर आ गया और वे गिर गई और बेहोश हो गई, और उनके हाथ और पांव में चोट भी आई। वहां खड़े हुए किसी भले मानुष ने उनको हॉस्पिटल लेकर गए और वहां उनको एडमिट करा दिया गया और प्राथमिक चिकित्सा वगैरह दे करके हाथ और पांव में प्लास्टर लगाया। फिर उनके होश में आने का इंतजार करने लगे। जब वह होश में आई तब उनसे पूछा, तब उन्होंने अपने घर का और बेटे का फोन नंबर दिया। जब बेटे बहू को समाचार दिए तो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। बेटा दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आया। उसने देखा तो बहुत परेशान हो गया कि यह क्या हो गया, कि मैंने मेरी पत्नी के कहने में आकर माँ के ऊपर कितने जुल्म कर दिए और माँ ने उफ तक नहीं करी। धूप में बिल जमा करने जाना, खाना बनाना, सब्जी लाना, सारे काम माँ के ऊपर छोड़ दिए, जबकि इस माँ ने मुझे इतने प्यार से पाला है और मैं सारे फर्ज भूल गया। उसको बहुत अफसोस होने लगा। वहां से वह घर पहुंचा। पहुंचते ही उसकी बीवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बुढ़िया अच्छी तरह काम नहीं करती है, इतना सा भी नहीं हुआ, बिल जमा कराने गई थी तो ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा जो यह नाटक करने की जरूरत पड़ी, और हॉस्पिटल में हमारा कितना खर्चा हो जाएगा और घर का काम कौन करेगा, और बहुत अनाप शनाप बोलने लगी। उसके बेटे को, जो हमेशा उसकी बात सुना करता था, आज अपने ऊपर पछतावे के कारण बहुत ही बुरा लगा। उसने उसको दो थप्पड़ लगाए और बोला, वह माँ है, नौकरानी नहीं, मैं तुम्हारी बातों में आ गया था, इसीलिए मैंने ऐसा करा, तुम्हारा साथ दिया, मगर अब यह नहीं चलेगा, तुमको ही काम करना पड़ेगा, या सर्वेंट रखो, फिर बिल को ऑनलाइन जमा कराओ, और यह चाहता हूँ कि जब माँ घर आए तो तुम माँ की खूब सेवा करो और छुट्टी लेकर घर पर रहो। उसकी यह बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत सकपका गई और बहुत गुस्सा हुई और भला बुरा बोलने लग गई। गुस्से में जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची। वहां पर रीमा जी को देखने उनके फ्रेंड और रिश्तेदार आई हुई थी। उनके सामने ही बहुत बुरा भला बोलने लग गई कि तुम कामचोर हो, इस कारण काम नहीं करना है, इसीलिए तुम यहां पर हो और नाटक कर रही हो, तुमको कुछ नहीं हुआ है तो मुझे बुरा बनाना चाहती हो, बहुत कुछ भला बुरा बोलने लगी। उसकी फ्रेंड उसका मुंह देखती ही रह गई। उनको लगा रीमा जी ने तो अपने मुंह से कभी अपनी बहू और बेटे की बुराई नहीं करी, तो असलियत यह है।
जब वह बोल करके चली गई, तब इनकी फ्रेंड ने उनको समझाया कि इन लोगों के मन में तुम्हारे लिए बिल्कुल इज्जत नहीं है। घर तो तुम्हारा है, जो तुम उनके नाम पर करना चाह रही थी। इनको बोल दो किराए का मकान लेकर रहे और तुम शांति से अकेले रहो, और कुछ काम करो तो मन लगा रहेगा, कुछ समाज सेवा का काम करो। और वे चली गई। रीमा जी अकेली पड़ी सोच में डूब गई। क्या करूं, ऐसी जिंदगी बसर हो सकती है? सही है ना, मैं तो नौकरानी ही बनकर रह गई हूं। और उन्होंने एक कड़क फैसला लिया। हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर गई और बेटे बहू को बुलाकर फैसला सुना दिया कि तुम 5 दिन में किराए का मकान ले लो और मेरा मकान खाली करो, और मकान ना मिले तो होटल में जा कर रहो, मगर 5वें दिन यह मकान खाली चाहिए। दोनों बहुत रोए और गिड़गिड़ाए, मगर रीमा जी अपने फैसले पर अटल थी। फिर उन्होंने उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। लोग क्या कहेंगे, तेरा एक ही बेटा है, तूने उसको भी घर से निकाल दिया, तू कितनी बुरी माँ है। रीमा जी ने बोला, मैंने आज तक किसी को बाहर एक शब्द भी नहीं बोला और तुम्हारे अत्याचार सहन करती रही। मैं कमज़ोर नहीं थी, मगर मैंने सोचा घर की बात घर में रहे, मगर तुम्हारी बीवी ने हॉस्पिटल में आकर जो हंगामा करा है उससे सबको पता लग गया है कि कौन कितना बुरा है, और अब मेरे ऊपर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा। पानी सर से गुजर गया है, तुमको मकान अलग लेना ही पड़ेगा। अगर व्यवहार अच्छा रहेगा तो महीने में 1-2 बार मिल लेंगे, और नहीं तो तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते। मुझे जो करना होगा वह करूंगी। 4-5 दिन बाद बेटा बहू होटल में रहने चले गए। फिर उन्होंने किराए का मकान ले लिया, महीने में 1 बार मिल लेते थे। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर माँ इतनी तकलीफ से गुजरी थी कि वह वापस कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं थी, इसीलिए यह उनके साथ रहने नहीं गई, न उनको अपने साथ रहने बुलाया। और उन्होंने अपने मकान को जीते जी अपने लिए रखा, और उनके मरने के बाद वहां अब वृद्धा आश्रम खोलने की वसीयत लिख दिया। बेटे को खाली थोड़ा कैश मिला, बाकी सब उन्होंने एक ट्रस्ट बनाकर वृद्धा आश्रम को देने का फैसला कर लिया, और वे शांति से अपनी इच्छा से अपने सामाजिक कार्य करते हुए अपनी जिंदगी सुख शांति से बसर करने लगे। मन में बहुत बार आता था, लोग बेटा बेटा करते हैं, मगर ज्यादातर घरों में आजकल बेटे ऐसे ही होते हैं, बहू के आने पर बदल ही जाते हैं। मेरे को तो फिर भी थोड़ी सद्बुद्धि मिली, मगर बहुत सारे औरतें बहुत सारे वृद्ध अपने बेटे बहुओं के अत्याचार के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए सबको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, अपना आत्मसम्मान बचा कर रखना चाहिए। आप किसी के निशाने पर ना हो, इसके लिए आपको खुद को जागरूक रखने की ज़रूरत है। कोई आपको नुकसान कैसे पहुँचा सकता है? तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।